आज के वीडियो में हम इन्वेस्टको इंडिया इक्विटी सेविंग्स फंड का रिव्यू करेंगे। ये एक इक्विटी सेविंग्स फंड है और ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि कम रिस्क में इक्विटी रिटर्न चाहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड इन्वेस्ट अबाउट अ थर्ड ऑफ योर मनी ईच इन इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। मतलब वन थर्ड आपका इक्विटी शेयर्स में डालते हैं, वन थर्ड बॉन्ड्स में डालते हैं और वन थर्ड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ में डालते हैं। तो ऑलमोस्ट टू थर्ड पोर्शन आपका बिल्कुल सेफ रहता है और वन थर्ड जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं जिससे कि उसकी और रिटर्न इन्हेंस कर सके। दो दीज प्रोपोर्शंस में वेरी अ बिट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट आउटलुक ऑफ द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर जैसे देखता है मार्केट कंडीशन, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे कर सकता है। दीज फंड्स आर सुटेबल फॉर दोज हु कैनॉट विद स्टैंड टू मच वॉलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड आर कंटेंट विद मॉडरेट रिटर्न्स विच आर स्लाइटली हायर देन फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस। तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली फंड है जो मतलब इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते हैं कि कभी मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और वो एक बेटर रिटर्न चाहते हैं अपने जो फिक्स इनकम है उसे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स, उनसे बेटर रिटर्न चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक सूटेबल फंड है। दे मे ऑल्सो सूट दोज लुकिंग फॉर अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर एक्युमुलेशन। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लेट्स से रिटायर्ड हैं या इन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा कर दिया है और उसे एक रेगुलर इनकम बना चाहते हैं, तो वो इस फंड को लेके उसके बाद उसमें से हर मंथ चाहे डिविडेंड ऑप्शन ले लें, लेकिन डिविडेंड से बेटर है आप ग्रोथ ऑप्शन लीजिए और उसमें से हर मंथ SWP के थ्रू या मैनुअली जैसे भी आप निकालना चाहे अपने खर्चे के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। द डेप्ट एंड आर्बिट्रेज पोर्शन ऑफ दीज फंड्स कैन प्रोवाइड अ मॉडरेट बट स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम। जैसे कि डेप्ट और या आर्बिट्रेज पोर्शन था, ये एक फिक्स इनकम की तरह से FD में एक कंटिन्यूस आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, उस टाइप का रिटर्न ये दे सकते हैं। द इक्विटी एलोकेशन दो एड्स अ बिट ऑफ वॉलेटिलिटी बट हेल्प्स बूस्ट रिटर्न टू कीप अप द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। अब इक्विटी पोर्शन क्या करता है, वो मतलब जैसे कि वोलेटाइल होता है थोड़ा, लेकिन उसी की वजह से इसका जो रिटर्न होता है वो FD या बॉन्ड फंड से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन है उसको आप इस फंड के थ्रू बीट कर सकते हैं। इन्वेस्ट ओनली इफ़ योर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इज 3 years और मोर, यानी कि आपको अगले 3 साल तक, ऐसा नहीं कि कोई बहुत इमरजेंसी और पैसा निकालना है, तो क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, बहुत नहीं होगा, तो ऐसे में इसमें इन्वेस्ट करें। टू डिप्राइव डिपेंडेबल इनकम विद सम डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, इन्वेस्ट योर एक्युमुलेटेड सेविंग इन दीज फंड्स ग्रेजुअली ओवर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स। जैसे कि अगर आपको इसमें पैसा, लेट से आपने कुछ रिटायरमेंट फंड मिला या कुछ पैसा इकट्ठा किया उसमें डालना चाहते हैं, तो क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं भी सकता, तो बेटर है कि आप उसको 12 महीने या 18 महीने में एक एक महीने करके इसको 12 या 18 पार्ट्स में डिवाइड करके हर महीने उसको डालें, जिससे कि आपको अलग अलग मार्केट वैल्यू पे उसकी NAV मिल सके। एंड देन मेंटेन अ विदड्रॉल रेट इन द रेंज ऑफ 4-6% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। तो आपने जितना भी जमा किया है उसका 4-6% आप हर साल इसमें से निकालते हैं, तो आपका ये ग्रो भी होता रहेगा और अच्छा खासा इसमें आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। इसमें जो कैपिटल गेन होता है वो ये इक्विटी की तरह ट्रीट होता है, तो टैक्सेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो एक साल के बाद अगर आप जब भी इसमें से पैसा निकालेंगे तो वो अगर 1 लाख से कम होगा तो फिर आप प्रॉफिट, तो वो टैक्स फ्री होगा। और अगर शॉर्ट टर्म में निकालते हैं 1 साल से पहले, तो उस पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, अब इसका बेसिक डिटेल देख लेते हैं। आज जैसे 0.21% डाउन है। इसका इन्वेस्टको म्यूचुअल फंड हाउस है और ये कब लॉन्च हुआ था, 7 अप्रैल 2019 को। अभी बहुत पुराना फंड नहीं है। जब से लॉन्च हुआ तब से 10.88% यानी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 11% के आसपास। इसका बेंचमार्क है निफ्टी इक्विटी सेविंग्स TRI इंडेक्स। रिस्कोमीटर मॉडरेटली हाई टाइप, ओपन एंडेड, कभी भी इसमें पैसा डाल सकते हैं और कभी भी अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अभी इसका जो एसेट साइज़ है 146 करोड़ का है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.67% है। टर्नओवर रेशियो दिया गया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 कर सकते हैं आप लमसम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 उसके मल्टीपल में कर सकते हैं। SIP आप 500 से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है
एग्जिट लोड अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इसमें से रिडीम करते हैं, जब जैसे आपने फंड आज लिया उसके बाद 30 दिन के अंदर रिडीम करते हैं, तो 0.25% एग्जिट लोड है, अदरवाइज कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जैसे मैंने पहले आया, द स्कीम सीक्स टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम के लिए है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट में करके और फिक्स इनकम में। इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न 1 ईयर 6 मंथ ऑल अभी तक का आप ये रिटर्न देखिए। तो अगर इसको हम कंपेयर करें इंडेक्स फंड से, UTI निफ्टी, एक निफ्टी इंडेक्स फंड से हम अगर कंपेयर करते हैं, तो आप देखिए रेड कलर में UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड है, जो क्रैश हुआ था मार्च में 2020 में, तो कितना नीचे हो गया था, फिर भी ये फंड ज़्यादा नीचे नहीं गिरा। तो ये एक स्टडी रिटर्न, एक सीधा साधा रिटर्न इसने दिया है, और बहुत ज़्यादा कभी भी वैल्यू इसकी फ्लक्चुएट नहीं हुई है। तो कितना भी मार्केट गिर जाए आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो और यह है कि जैसे उसके बाद निफ्टी काफ़ी रिकवर कर गया, लेकिन ये एक फिक्स आपको 10% के आसपास का रिटर्न आपको देता रहेगा। इसका बेस्ट और वर्स्ट देखिए, एक साल में इसने बेस्ट जो है 26.63 दिया है, वर्स्ट -5। इतने ड्रॉ डाउन के बाद भी अगर एक साल तक आपने जमा किया था लम सम भी, तो मैक्सिमम आपका -5% ही होता, उसके बाद फिर बाद में रिकवर हो गया था। तो इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फंड है। आप देखिए इसका पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन, अभी ज़्यादातर इसका जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद इक्विटी में लगा हुआ काफ़ी पोर्शन, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में है। नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल 51 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है, इसमें केवल 3 बॉन्ड हैं, हाई क्रेडिट क्वालिटी और लो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के। और इनका आप डेप्ट होल्डिंग देख लीजिए क्या क्या है। इनकी जो डेप्ट होल्डिंग है वो है इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड, तो लिक्विड फंड में अपने यूज़ करते हैं, और नेशनल बैंक डिवेंचर्स हैं, NCDs हैं। तो कुल मिला के ठीक है। टॉप इक्विटी होल्डिंग्स में देख लीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स, SGFC, रिलायंस, सन फार्मा, ICICI, SGFC बैंक, इन्फोसिस, तो सारी अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज हैं। इसके फंड मैनेजर अमित निगम 2020 से हैं, मिस्टर निगम इज़ BE फ्रॉम IIT रुड़की एंड PGDBM फ्रॉम IIM। तो निमान कोठारी मैं 2020 से, मिस्टर कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट, रोल्स अ कॉमर्स डिग्री। तो कुल मिला के ये अगर आप लोवेस्ट रिस्क में एक 10% प्लस का रिटर्न चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सब्सिडी आता है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा इन्वेस्टर रहते हैं, तो उसके बाद कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, और जो इसका टैक्सेशन है वो इक्विटी की तरह होगा, तो उस लिहाज से भी एक बहुत अच्छा फंड है। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, या इस तरह का सेविंग्स कोई और आपका फ्रेंड देख रहा हो, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।